देश के जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के हालत में बिल्कुल भी सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि 10 अगस्त को उनको दिल का दौरा पड़ा था और राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन इसी बीच राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है और इस जानकारी को सुनने के बाद राजू श्रीवास्तव के फैंस काफी ज्यादा मायूस लग रहे हैं। वह यूं कि राजू श्रीवास्तव के दोस्त और कॉमेडियन सुनील पाल ने राजू श्रीवास्तव की बिगड़ती सेहत के बारे में ताजा जानकारी दी है। वह यूं कि न्यूज 18 से बातचीत करते हुए सुनील पाल ने कहा, दोस्तों राजू श्रीवास्तव जी के लिए प्रार्थना कीजिए, वो बहुत गंभीर हालत से गुजर रहे हैं। डॉक्टरों को भी नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या करें, प्रार्थना कीजिए, ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया, सिर्फ उनके लिए प्रार्थना कीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजू श्रीवास्तव का दिल समस्या पैदा कर रहा है, उनका ब्रेन भी काम नहीं कर रहा है। राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, अभी भी राजू वेंटिलेटर पर ही हैं। उन्हें 9 दिन से बिल्कुल भी होश नहीं आया है। डॉक्टर ब्रेन के ऊपरी हिस्से का लगातार इलाज कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच बीपी भी फ्लक्चुएट करने लगा था। ऐसे में डॉक्टरों ने कहा था कि राजू की हालत पहले से गंभीर हो गई है। राजू के तमाम रिश्तेदार लखनऊ, कानपुर, मुंबई से दिल्ली के एम्स पहुंचने लगे हैं और इस खबर के सामने आने के बाद राजू श्रीवास्तव के चाहने वाले काफी ज्यादा मायूस भी चल रहे हैं। हालांकि शेखर सुमन ने भी डॉक्टरों के हवाले से राजू श्रीवास्तव के सेहत के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन सुनील पाल ने राजू श्रीवास्तव को लेकर जो ताजा जानकारी दी है उससे राजू श्रीवास्तव के करीबी और उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा मायूस हो गए हैं। वह यूं कि शेखर सुमन ने 17 अगस्त को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने राजू श्रीवास्तव की सेहत को स्थिर बताया और बताया कि अभी भी वो बेहोश है लेकिन उनकी हालत स्थिर है, ठीक होने में 1 सप्ताह लग जाएगा, जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करें, हर हर महादेव। अब जाहिर सी बात है राजू की सेहत 1 दिन के भीतर काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है जिसके बारे में अभी हाल ही में सुनील पाल ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली के एम्स में डॉक्टर लगातार राजू श्रीवास्तव की हालत को स्थिर करने में लगे हुए हैं, लेकिन हालत धीरे धीरे बिगड़ती भी नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्टरों ने राजू श्रीवास्तव की MRI रिपोर्ट आधार पर बताया था कि राजू श्रीवास्तव की सिर की एक नस दबी हुई थी जिसे डॉक्टर लगातार ठीक करने में लगे हुए थे। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि राजू ने उंगली हिलाई थी जिससे उनके फैंस को जल्द ठीक होने की उम्मीद भी बढ़ी थी। हालांकि डॉक्टर राजू श्रीवास्तव को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल वो ICU में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं।